ईद गदीर के सिलसिले में इमाम बारगाह आजाद नगर के महफिल जश्न गदीर आयोजित की जाएगी। खबर मुरादाबाद जनपद से है, जहां आज ईद गदीर के सिलसिले में इमाम बारगाह आजाद नगर में महफिल जश्न गदीर आयोजित की गई, जिसमें मुकामी और बेहरूनी शायर तशरीफ ला रहे हैं। इसी संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान सैयद अली वाहिद नकवी ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ईद गदीर शिया मुसलमानों का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण त्यौहार है। साथ ही आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। साल के तरीके से ईद गदीर मनाया जाता है, जो ईद अकबर से ताल्लुक रखती है, यानी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना वलीहद जानशी चुना। इसलिए ये ईद मनाना बहुत ज़रूरी है और कुल मुसलमानों के लिए ईद मनाना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में एक जश्न ईद गदीर का प्रोग्राम आज़ाद नगर आईटी ऑफिस ज़िला मुरादाबाद में इमाम बारगाह में रखा गया है, जो कल यानी 18 तारीख में शाम को 8 बजे शुरू किया जाएगा। लगभग मैं समझता हूँ कि इसे 12-13 साल हमें मनाते हुए हो गए इस प्रोग्राम को, और माशाल्लाह बाहर से शोराए ग्राम इसमें तशरीफ़ लाते हैं। कोरोना काल में इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बंद किया गया था, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार ये इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छे स्केल पे प्रोग्राम हो रहा है और बाहर के शोराए ग्राम इसमें आ रहे हैं। जो नामचीन हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, वो शोराए ग्राम इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। एक असद नसीराबादी साहब हैं, अनवर सेतली साहब हैं, जिना जफराबादी साहब हैं, मौलाना शबाब जलालपुरी साहब हैं, शहनशाह बिजनौरी हैं, सज्जाद बिजनौरी हैं, और दीगर जगहों से बहुत शोराए ग्राम आ रहे हैं और मारूफ सिरसी भी हैं। और मेरी ये अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएँ और विलायत अली का लुत्फ उठाएँ, मुबारकबाद दें एक दूसरे को, मिठाइयाँ बाँटें, क्योंकि ये प्रोग्राम किसी भी मसलक से ताल्लुक़ नहीं बल्कि कुल मोमिनीन के लिए है, मुसलमानों के लिए। वली है चुना गए हैं इस दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, और हम हर मुसलमानों को, कोई फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं है इसका कि खाली शिया फ़िरका मनाए या अहले सुन्नत मनाए या कोई अदर फ़िरका मनाए। इसमें हमारी अपील ये है कि टोटल मुसलमान इस जश्न को खूब मिलजुल के मनाएं। गौरतलब है कि इस दौरान समुदाय के सभी लोग मौजूद थे।